वंदे मातरम। ये जो घर आप देख रहे हैं, खंडहर सा घर है, खंडहर सा, लेकिन ये घर मेरा घर है, आप सबके भाई गोविंद भाई का घर है। इसी ज़मीन पे, इसी घर के आंगन में पैदा हुआ हूँ मैं। तो आज हम पहुँचे हुए हैं 5 साल बाद, और पिताजी रिटायर होने के बाद इस घर पे आए, और यहाँ पे अभी मैं आपको घर का कुछ दृश्य दिखाऊं। उससे पहले थोड़ा सा और, ये मकान है पुराना, बाप दादाओं का बनाया हुआ, खपड़ैल और कुछ चीज़ें इसमें से। ये है पीछे शिव जी की मंदिर मूर्ति, ये शिव जी की मूर्ति है। और ये वो जगह है जहाँ पे ओल होता है, और लगभग एक एक ओल 50-50 किलो और 40-40 किलो तक का निकलता है इस ज़मीन पे, जबकि अभी यहाँ कुछ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये ओल होता है। जितना ज़्यादा, जितना पुराने समय बाद उसको खोदते हैं तो होता है। ये गांव है सरकुना गांव, और ये पीछे ये शिव जी की मंदिर, जो पिताजी रिटायर होने के बाद इस मंदिर पे मंदिर निर्माण का कार्य चालू हो गया है। और ये घर है, आप देख रहे होंगे, इस घर पे कोने पे त्रिशूल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, मतलब एक त्रिशूल कोने में गड़ा हुआ है ना सत्यजीत, कहाँ पे? लोहे का। हाँ, देखा है। हाँ, तो वो भी एक वो होता है, कोई ना कोई इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। और हल्का हल्का से हाँ वैज्ञानिक हाँ जी हाँ जी और वज्रपात। ये घर हम समझ नहीं यार कि सब जा रहा है हुआ को जी बोलता है। ये हमारी गौ माता, गौ माता की छोटी सी प्यारी सी दुलारी सी। आजा आजा इसका नाम क्या रखते हैं? इसको नंदनी नाम है। नंदनी नंदनी। और हर के ये घर है, इसी घर में मैं पैदा हुआ, ये गौ माता के लिए। और इसी में पहले के ज़माने में इस तरीके में इसमें भी अनाज रखा भी जाता था सुरक्षित रखने के लिए, दोनों भूसा भी और अनाज को भी इसी में सुरक्षित रखा जाता था। जैसे कि आपने नानी के घर में देखा कि वहाँ पे कोई, और ये पुराना पेटी, ये गौ माता जो पिताजी ने रिटायरमेंट के बाद, और आप कोठी देख रहे हैं, ये कोठी, और ये हमारा देवता घर, जैसे बोलते हैं हर घर में देवता घर होता है, तो ये देवता घर है। और ये हमारी कुल देवी है यहाँ पे, अंधेरा है यहाँ पे और लाइट की भी नहीं है, तो ये कुल देवी इस कोने में है हमारी। तो ये घर है, ये गौ माता किससे? नहीं नहीं वो कोई दिक्कत, वो है। और एक एक पुराना ये सब घर, और एक कमरा ये, और ये और ये इसको धीरे ये देख सकते जी, ये खेतों में पानी पटाने वाला, अच्छा एक कौची काल जाए जो पानी पटा वाला है, करिंग करिंग लट्ठा करिंग, ये पानी मतलब पटाने के लिए, खेतों में छोड़ने के लिए, तो ये करिंग है। और ये घर है जिस घर में मैं पैदा हुआ, और ये और ये हमारा वो, और ये कुआं है। इसमें एक बार मैं गिर भी गया था अंदर, तैरने नहीं आता था। नहीं, फिर कौन बचा लिए इसने? और कुएं में कोई चीज गिर जाता है तो उसको निकालने के लिए भी एक सिक्कड़ होता है, सिक्कड़ होता है, ऐसे ऐसे घुमा के निकालते अंदर हैं। कौन कूदा आपको बचाने? है बच बहुत सारे, ठीक तो बच्चों ठीक, झग्गर 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 ये कौन चीज के पेड़ लग गए? नींबू के, घगरा घगरा नींबू के। तो अभी काफी दिनों से घर बंद था, पिताजी आए हैं अब रिटायर होके, तब इस घर में तो मैं खुद ही 5 साल बाद आया हूँ। तो उसका नाम क्या है?
गाय के कोची नाम रख लाऊं गौ माता का? राधा, राधा की बेटी नंदनी। ये आजा ये पिताजी और ये जमंगल दादा। नंदनी बंदे मात्रा।